हे गाइस, मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं टेक मुंबाईकर। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं व्हाट्सएप के दो नए अपडेट्स के बारे में, जिनका वेट काफी दिनों से हो रहा था एंड फाइनली अभी आप सभी के फोन्स में जल्दी ही आने वाले हैं। सो कई लोगों को ये अपडेट मिल चुके हैं, बट बहुत से लोगों को ये अपडेट मिलना बाकी है। सो दोनों ही फीचर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप के पहले अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता था कि पहले मान लीजिए जब आपको किसी भी मैसेज का रिप्लाई करना होता था तो आप जाते थे अपने व्हाट्सएप में एंड उस पर्टिकुलर मैसेज पे टैप करते थे एंड देन उसके बाद आप ऊपर रिप्लाई के बटन पे क्लिक करते थे, जिससे आप किसी एक पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप पे इसके लिए एक अपडेट आ चुका है जो कि ऑलरेडी आईफोन यूजर्स को कुछ टाइम पहले ही मिल गया था। सो अगर आपको आप किसी भी एक पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई करना है तो आपको उस पर टैप करके नहीं रखना है, ना ही ऊपर जाके रिप्लाई के बटन पे क्लिक करना होगा, बल्कि सिंपली आपको उस मैसेज को राइट स्वाइप करना है एंड आप देख पाएंगे कि वहां पे आपको एक रिप्लाई का आइकन दिखाई देगा। यानी अगर आपको आप किसी भी पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई करना है तो आप उसे सिंपली राइट स्वाइप कर दीजिए एंड आप डायरेक्टली उस मैसेज का रिप्लाई कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं उसके सेकंड अपडेट की, तो उसका काफी दिनों से वेट हो रहा था जो कि फाइनली आ चुका है व्हाट्सएप में, वो है इसका पिक्चर इन पिक्चर मोड। सो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपको कोई YouTube, Facebook या Instagram से कोई लिंक आता है वीडियो का, सो आप उसे डायरेक्टली यहाँ पे प्ले कर सकते हैं और ये एक विंडो के फॉर्म में आपके WhatsApp में ओपन हो जाएगा। सो आप इस वीडियो को भी देख पाएंगे और साथ में चैट भी कर पाएंगे, अपने चैट्स को रीड कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में आप चाहे तो इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और साथ में चाहे तो आप इसे फुल व्यू मोड में ओपन कर सकते हैं और साथ में आप इसे कट भी कर सकते हैं यहाँ से। और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज है कि आप इस पिक्चर इन पिक्चर मोड को सिर्फ एक चैट में ही यूज कर पाएंगे, लेकिन जैसे आप उस चैट से बैक जाएंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा। सो इस फीचर को आप एक पर्टिकुलर चैट में ही यूज कर पाएंगे फिलहाल के लिए, बट क्या पता आने वाले दिनों में इसे और भी इम्प्रूव किया जाए, जिससे आप अगर अपने चैट से बैक भी जाते हैं तो भी ये विंडो कंटिन्यू चलता रहे। सो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप भी इस फीचर को अपने व्हाट्सएप में यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली जाना आपके प्ले स्टोर में, वहां पे सर्च करना है व्हाट्सएप एंड देन उसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। और अगर फिर भी आपको ये फीचर नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप के सबसे लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप इन दोनों फीचर्स को अपने फोन में एंजॉय कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, ये था मेरी तरफ से आप सभी के लिए व्हाट्सएप के दो न्यू अपडेट्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप व्हाट्सएप के किस फीचर के लिए काफी एक्साइटेड है और ऐसा कौन सा फीचर है जिसे आप फ्यूचर में व्हाट्सएप में देखना चाहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, व्हाट्सएप से जुड़े और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।